अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इस टाइम मैं बिनहाई डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी, सिर्फ बिनहाई की नहीं बल्कि चाइना की बहुत बड़ी लाइब्रेरी के मैं सामने हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है यहाँ की और बहुत ही खूबसूरत जगह है। टूरिज़म के लिए ये बहुत प्यारी जगह है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं विज़िट करने के लिए। तो आज मैं भी इस साइड पर आया हुआ था, मैंने कहा चले मैं एक वीडियो शूट करता हूँ यहाँ की और आपको दिखाता हूँ अंदर चल के कि ये किस तरह की लाइब्रेरी है और कितनी खूबसूरत है। चलते हैं अंदर और आपको दिखाता हूँ। ये लाइब्रेरी के बाहर का सीन है और देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक साइड है, इसके तकरीबन 6 गेट हैं और एक गेट वाली साइड पे ये पार्किंग एरिया है और हर पार्किंग हर गेट पर जो पार्किंग है इससे भी ज़्यादा जो है ना गाड़ियां हैं पार्क की हुई और बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। और वैसे भी आजकल छुट्टियां हैं तो लोग यहां पर विज़िट करने के लिए आए हुए हैं। चल रहे हैं हम इस टाइम लाइब्रेरी के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ लाइब्रेरी के अंदर। जी तो इस टाइम मैं लाइब्रेरी के अंदर हूँ और आप देख सकते हैं कि ये अंदर से इसका जो एक इंटीरियर डिज़ाइन है कितना खूबसूरत है, किस तरह से इन्होंने जो है इसको डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि ये टूरिज़म प्लेस है, ये सिर्फ लाइब्रेरी ही नहीं है, तो इसके अंदर रेस्टोरेंट्स भी हैं और शॉपिंग मॉल भी हैं और इसके अलावा जो है ना बड़ी गाड़ियों के यहाँ पर एग्जीबिशन भी होती है। आप मेरी लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं विज़िट करने के लिए तो वो यहाँ पे खाना भी खाते हैं। तो ये राइट साइड पे मेरे जो है ना रेस्टोरेंट है। जी तो आप देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर ऑलमोस्ट रेस्टोरेंट्स ही हैं सारे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ इतने ज़्यादा लोगों का रश नहीं है, उसकी वजह सिर्फ यही है कि चाइना में जब से कोविड आया है तो यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है और लोगों का बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है और लोग इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड भी करते हैं कि रश वाली जगह पर जाए। तो अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर और चल के मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसकी जो लाइब्रेरी की एंट्रेंस है वो फर्स्ट फ्लोर पर है। फर्स्ट फ्लोर पे ये मैकडोनल्ड्स भी है, ये आप सामने देख सकते हैं। यहाँ से फास्ट फूड आप अगर आप लेना चाहें, कोई आइसक्रीम लेना चाहें तो यहाँ से मिल जाती है। और आप वैसे यहाँ का जो है ना व्यू चेक करें, ये ऊपर का आप देखें बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ ऐसी जगह पे जाकर जो है ना बड़ा दिल खुश हो जाता है, अगर आप कभी फ्री हों तो ऐसी जगह पर जाएँ तो बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। जी तो ये मैं एंट्रेंस पर मौजूद हूँ, लाइब्रेरी के अंदर हूँ मैं और ये आप देख सकते हैं कि ये एंट्री पर इन्होंने इतनी सिक्योरिटी रखी हुई है और ये स्कैनर है, यहाँ से हमें इन्होंने गुजारा है और हमारा एक क्यूआर कोड जनरेट हुआ है जहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन पुट हुई है सारी और फिर उसके बाद हम अंदर आ सकते हैं। तो ये सामने रिसेप्शन है और यहाँ पर एक बड़ी बिग बॉल सी बनी हुई है इसके अंदर और लेफ़्ट राइट साइड पे ये सारी बुक्स भी हैं और इसकी जो है ना इसके आप ऊपर भी जा सकते हैं। इसके डिफरेंट पोर्शन है वो मैं आपको ये सारे दिखाऊंगा, विज़िट करवाऊंगा कि बच्चों के लिए पोर्शन कौन सा है और बड़ों के लिए कौन सा है और इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स कहाँ पर हैं और डिजिटल लाइब्रेरी मतलब जिसको कहते हैं वो किस साइड पर है। तो ये सारा जो है ना मैं आपको आज विज़िट करवाता हूँ। इस टाइम ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरह की बुक लगी हुई है और आप यहाँ से जो है ना ले सकते हैं और अपने साथ भी ले जा सकते हैं।
अच्छा, इस लाइब्रेरी में मैंने कुछ बुक्स ऐसी भी देखी हैं जो इंटरनेशनल बुक्स हैं। ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ चाइनीज़ बुक्स हैं, तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की बहुत सारी बुक्स हैं, वो भी मैंने देखी हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर लोग आते हैं, कुछ टाइम पास करने के लिए भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल खामोशी होती है, तो वहाँ भी चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पर रैक्स में बुक्स लगी हुई हैं, इंग्लिश बुक्स भी हैं और चाइनीज बुक्स भी हैं। अच्छा, तो ये दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि ये दूसरी साइड पे ये दूसरा इसका एंट्रेंस गेट है, और वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा गेट्स हैं, लेकिन ये जो मेन लाइब्रेरी का गेट है, ये दूसरा गेट ये वाला है। और अब ये देख सकते हैं आपके ऊपर तक जो है ना, इन्होंने रैक बनाए हुए हैं, और वहाँ पर कुछ इन्होंने खूबसूरती के लिए स्टिकर भी लगाए हुए हैं, लेकिन बहुत सारी बुक्स भी हैं यहाँ पर। अच्छा, तो अब हम चलते हैं ये यहाँ पर बच्चों वाले पोर्शन में। यहाँ पर पेरेंट्स और कुछ टीचर्स जो है ना, अपने बच्चों को साथ लेके आए होते हैं, और यहाँ पे बच्चे अपनी स्टडी करते हैं, बच्चों के बुक्स भी होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इनके स्कूल की बुक्स भी होती हैं, स्टोरीज बुक्स भी होती हैं, मैंने देखी हैं यहाँ पर। कुछ इनके जो है ना स्पेशल बुक्स होती हैं, जो इनकी आप कह सकते हो कल्चरल बुक्स आप कह सकते हैं, और वो भी बुक्स होती हैं। वैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर बुक्स डिफरेंट किस्म की होती हैं। और यहाँ पर जो है ना इन्वायरमेंट क्योंकि बहुत अच्छा, आप देख सकते हैं, ये देखिए सामने एक बच्चा है और उसकी जो है ना टीचर भी साथ आई हुई है, और यहाँ इस इन्वायरमेंट में ये बच्चे को लेके आते हैं और बच्चे को पढ़ाते हैं। तो इस तरह से बच्चों की मेंटली ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप देखें, उनके लिए फर्नीचर भी डिफरेंट किस्म का है और बहुत प्यारा है। देखें, इस तरह के इन्वायरमेंट में अगर बच्चा पढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसकी मेंटली ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। कुछ पेरेंट्स भी साथ आए होते हैं, कुछ टीचर्स आए होते हैं। चलें, तो अब चल के बाहर मैं आपको सामने दिखाता हूँ। ये आप कह सकते हैं कि ये डिजिटल इनकी वेबसाइट होती है, और यहाँ से अगर आप कोई स्टोरीज़ की बुक्स देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, वो भी डाउनलोड हो सकते हैं। ये देखें, ये एक बच्चा यहाँ पे बुक्स फाइंड कर रहा है। ये भी कुछ इस तरह की एक है, यहाँ से भी बुक्स डाउनलोड होती हैं। अब ये आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर जो है ना पेरेंट्स जो यहाँ से बुक्स लेके जाते हैं बच्चों के लिए, वो इधर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई होती है, और फिर यहाँ पे दोबारा आके अपना वो जो है ना जो इनका लॉगिन आईडी होता है वो लॉगिन करते हैं, और दोबारा से जो है ना यहाँ पे बुक्स अपनी सबमिट करवाते हैं, और यहाँ पे एंट्री हो जाती है इनकी। चले, तो अब हम चलते हैं स्टडी रूम में। से अगर आप कोई बुक खरीदना चाहते हैं तो वो यहां से आप खरीद सकते हैं। ये लाइब्रेरी का मैप है, और यहां पे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर पे क्या क्या चीज है, कौन कौन से एरियाज हैं, तो वो यहां पर मेंशन है। Thank you.
चलें तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, और ये एरिया भी जो है ये स्टडी एरिया है, और यहाँ पर जो है ना न्यूज़पेपर भी होते हैं, जब वो स्टडी किए जाते हैं यहाँ पर न्यूज़पेपर होते हैं, कुछ इनके लिटरेचर की बुक्स होती हैं, या फिर अगर कोई अपना लैपटॉप साथ लेके आया होगा कुछ काम करना है तो वो भी यहाँ पे बैठ के कर सकता है। ये अभी मैं लाइब्रेरी से आउट हुआ हूँ, बाहर आया हूँ, और मैं चल के आगे आपको दिखाता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें। ये साथ में जो है एक सुपरमार्केट टाइप एक शॉप है, और फिर सामने चल के ये गाड़ियों की एग्जीबिशन के लिए गाड़ियाँ डिस्प्ले में लगाई हुई हैं। ये इसका सेकंड फ्लोर है, और सेकंड फ्लोर पर ये यहाँ पे डिस्प्ले में गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, बहुत प्यारी गाड़ियाँ हैं। और इन गाड़ियों के पीछे आप देख सकते हैं कि KFC भी है यहाँ पे, मैकडोनल्ड्स भी है। और अभी मेरा दिल कर रहा था यहाँ से आइसक्रीम खाने का, मैकडोनल्ड्स की जो आइसक्रीम होती है वो बहुत अच्छी होती है, बड़े मज़े की होती है, वो भी चल के खाते हैं। ये देखिए गाड़ी, बहुत प्यारी गाड़ी है, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी और हाई प्राइसेस गाड़ियाँ यहाँ पर डिस्प्ले में लगाई हुई है इन्होंने। मैं लाइब्रेरी से बाहर आ चुका हूं, और ये बैक साइड है, और आप यहां से बैक साइड का व्यू देख सकते हैं। और इस टाइम जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो थियनजिन की सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो सामने आपको नज़र आ रही है, और ये थियनजिन में जो है ना आपको हर जगह पर नज़र आएगी। बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पर, बहुत प्यारी लग रही है। और यहाँ पे इस बिल्डिंग के जो है ना साथ में यहाँ पे एक बहुत प्यारा गार्डन भी है। ये लेफ्ट साइड पे भी जो है ना आप देख सकते हैं कि ये पूरा लाइब्रेरी का एरिया है, और ये बैक साइड है, बहुत प्यारी है। सब्सक्राइब कर दें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं चाइना में। चाइना की खूबसूरती तो हर कोई जानता है कि बहुत ज़्यादा है, तो अगर कोई स्पेशल आप वीडियो चाहते हैं और कोई स्पेशल कोई चीज़ देखना चाहते हैं चाइना में, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।